हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डिजाइंस। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुर्ती कॉलर पे हम पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं, यानी कि बैंड पे पाइपिंग ऊपर वाली साइड में हमने कैसे लगानी है, जैसे ये लगी हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसकी बैंड की कटिंग की और स्टिचिंग की आपको कई वीडियोज दिखाई हुई है, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में जो आपको दिखाऊंगी सिर्फ इस पे पाइपिंग कैसे लगानी है वो दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने ये वाली पाइपिंग लगी हुई रेडीमेड कुर्तीज में देखी होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको बैंड काटना आना चाहिए। तो मैंने बैंड कटिंग की एक वीडियो पहले डाली हुई है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो हमारा जो बैंड है वो रेडी होने के बाद ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल राउंड कॉलर ना कैसे आएगा फिनिशिंग के साथ। तो ऊपर वाली साइड में हमें पाइपिंग लगानी है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसके ऊपर हमने पाइपिंग लगानी है। तो ये मेरा कुर्ती वाला ही फैब्रिक है, ऐसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, बिल्कुल बैन के बराबर हमें लेना है जहाँ पे हमारा बैन ऐसे सेट आ जाए। और उल्टा करके लिया है मैंने अब फैब्रिक, ये देख सकते हैं आप, और लगभग ऊपर की तरफ मैंने एक इंच छोड़ा है, आप देख सकते हैं बैन से, बैन के ऊपर मैंने एक इंच छोड़ा है। और अब हम इसको पेस्टिंग के साथ, पेपर पेस्टिंग के साथ ऐसे फैब्रिक के ऊपर चिपका देंगे। तो मैंने आपको पहले भी पेस्टिंग दिखाई हुई है, ये प्रेस के साथ अच्छे से चिपक जाती है आयन करने पर। तो ये देखिए हमारा जो बैन है वो फैब्रिक के साथ इस तरीके से चिपक चुका है पूरी तरह से। और अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ साथ ही कट कर देंगे। लगभग हमने दोनों तरफ से आधा आधा इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। यहाँ नीचे वाली साइड मैं एक इंच का ले रही हूँ अभी, और ऐसे ही मैंने दूसरी बाहर से भी इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ साथ कट कर देना है। तो ये देखिए ऊपर वाली साइड मैंने लगभग आधा इंच का फैब्रिक लिया है, और नीचे वाली साइड यानी कि अंदर वाली साइड एक इंच का लिया है। तो हमें जो पाइपिंग लगानी है वो अंदर वाली साइड में लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर वाली साइड है उसको हम प्रेस के साथ फोल्ड कर देंगे। तो ये पेस्टिंग के साथ चिपका हुआ है, आसानी से प्रेस के साथ फोल्ड हो जाता है। तो जैसे हम इसको सेट करते जाएंगे अपनी बुकरम के साथ साथ, वैसे ही ये सेट होता जाएगा हमारा जो फैब्रिक है इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसको बाहर से फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब हमें पाइपिंग लगानी है, ऐसे ही आ जाएगा ये जब ये रेडी होगा। तो पाइपिंग हमें अंदर वाली साइड में लगानी है। वो कैसे लगाएंगे हम अपनी बुकरम के साथ साथ पहले एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम अपनी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेते हैं। तो आपको बुकरम दिखाई दे ही रही है पेस्टिंग के बाहर भी। इस तरीके से हम बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो एक बात और ध्यान में रखें, इसी सिलाई के ऊपर ही हमारी पाइपिंग भी स्टिच होनी है, तो ये फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगे, इसलिए हम इसको धीरे धीरे लगा रहे हैं। तो देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने जो पाइपिंग स्टिच करनी है वो दूसरी साइड पे करनी है, इस साइड पे, यानी कि फैब्रिक वाली साइड पे हमें पाइपिंग को स्टिच करना है। तो इसी सिलाई के ऊपर ही हम पाइपिंग की सिलाई चलाएंगे। तो ये मैंने डोरी वाली पाइपिंग बनाई है, मैंने रेड कलर की कंट्रास्टेड पाइपिंग बनाई है। तो अब मैं क्या करूँगी, डोरी इस साइड पे रखूँगी अपनी बैन वाली यानी कि बुकरम वाली साइड पे, डोरी रखते हुए इसी सिलाई के ऊपर ही पाइपिंग को स्टिच कर दूँगी। तो ऐसे इसको बिल्कुल उसी सिलाई के साथ साथ घुमाते हुए, पाइपिंग में थोड़ा सा कट लगा लें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घूमना है, तो आसानी से घूम जाती है कट लगाने से हमारी ये जो पाइपिंग है, और फिनिशिंग के साथ भी स्टिच होती है। तो यहाँ हमें बाहर वाली जो अंदर हमने सिलाई लगाई थी वो हमें बाहर भी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। उसी सिलाई के ऊपर ही मैं पाइपिंग को स्टिच कर रही हूँ, आपने भी ठीक उसी तरह से पाइपिंग को उसी सिलाई के ऊपर ही स्टिच करना है। तो ऐसे हमने अपनी सारी पाइपिंग को बिल्कुल किनारी की सिलाई के साथ ऐसे स्टिच कर लिया है। तो बैन के साथ ही ऐसे आ जाएगी हमारी पाइपिंग। और एक मैंने और सिलाई लगाई है यहाँ पाइपिंग के फैब्रिक के ऊपर, ताकि ये बीच में ना आए और फिनिशिंग अच्छी आए हमारी बैन में। तो इस तरीके से मैंने सारी पाइपिंग के साथ साथ एक रफ स्टिच भी लगाई है। तो अब मैंने बिल्कुल बैन के बराबर जितना मैंने पहले फैब्रिक लिया था उतना ही मैंने और फैब्रिक लिया है, और उसको सीधा करके रखा है। बैन को ऐसे हमने इसके ऊपर उल्टा करके रखना है, और बिल्कुल पाइपिंग वाली जो सिलाई हमने चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं एक रफ स्टिच कर लेती हूँ, ताकि हमारा जो बैन है वो बिल्कुल हिले ना, इधर उधर ना हो,
और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच हो। तो देखिए ये मैंने रफ स्टिच की है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे अपनी पाइपिंग के किनारे किनारे जो सिलाई लगाई थी हमने, उसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक है वो भी इसके साथ स्टिच हो जाए और हमारी पाइपिंग भी इसके साथ गुम हो जाएगी और फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो ऐसे हमने बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगा ली है और हमारी पाइपिंग भी ऐसे स्टिच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे। लगभग एक एक पैर का ही मार्जिन हमें लेना है बीच में से, और बाकी सारे फैब्रिक को ट्रिम कर देना है। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से कट कर देना है। तो ऐसे बिल्कुल मैंने बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और एक एक पैर का ही मार्जिन लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि पलटने के बाद इसमें अच्छी फिनिशिंग आए। तो ये देखिए मैंने कट्स भी लगा दिया। अब हम इसको पलट देंगे बाहर वाले फैब्रिक के साथ, इस तरीके से पलटेंगे तो हमारी जो पाइपिंग है वो भी गुम हो जाएगी इस तरीके से। तो देखिए ऐसे हमारी जो पाइपिंग है अंदर से भी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है और बाहर से भी। तो अब हम ऐसे ही अपने सारे बैंड को इस तरीके से पलट देंगे। तो देखिए मैंने बैंड को पलट दिया है और पाइपिंग भी देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है हमारी। तो ऐसे हमारा ये बैंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले फैब्रिक को भी हमने लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए बाकी फैब्रिक को ट्रिम कर देना है। जो एक एक पैर का मैं मार्जिन ले रही हूँ, इसी से हमारी कुर्ती पे इसको स्टिच करना है हमें। ऐसे ही सिर्फ एक एक पैर का ही मार्जिन लेना है हमें। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दिया है और ये वाले फैब्रिक से हम स्टिच करेंगे। तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग नहीं दिखा रही हूँ, वो मैंने पहले कई वीडियोज़ में दिखाई हुई है। तो जब हमारा ये बैंड कुर्ती पे स्टिच होगा तो ये ऐसे आ जाएगा और पाइपिंग हमारी ऊपर वाली साइड में आ जाएगी इस तरीके से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन सारी वीडियोस का लिंक शेयर कर रही हूँ जो मैंने कुर्ती कॉलर वाले यानी कि बैन वाली वीडियोस डाली हुई हैं। तो आप ऊपर आई बटन प्रेस करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टिच होने के बाद हमारा ये कुर्ती कॉलर यानी कि बैन ऐसे आ जाएगा। तो ये होगी इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीड डिज़ाइंस। थैंक यू।